ने अपनी टैली को डबल किया। राहुल जी को एक मजबूत नेतृत्व के रूप में आज पूरा देश चाहता भी है और मानता भी है। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान कैसे मजबूत हो, उसके माध्यम से लोगों को अधिकार कैसे मिले, आरक्षण कैसे जिन वर्गों के लिए, चाहे वो दलित हों, सबको मेरा नमस्कार। और आप सब जानते हैं कि मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से हुई, कांग्रेस के झंडे के तले हुई, और छात्र जीवन से हमने शुरुआत करी। और पिछले कुछ महीने मैं भारतीय जनता पार्टी में था, लेकिन जिस तरीके का माहौल देखा पिछले कुछ महीने में, मैं समझता हूँ कि बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के आहत भी हुए, और जो एक बाबा साहब के प्रति, संविधान के प्रति जिस तरह की आस्था होनी चाहिए थी, वो मुझे लगता है कि वहाँ नहीं है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी देश के अंदर देश को जोड़ने के लिए बाबा साहब का दिया हुआ संविधान कैसे मजबूत हो, उसके माध्यम से लोगों को अधिकार कैसे मिले, आरक्षण कैसे जिन वर्गों के लिए, चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, उनको उसका संपूर्ण लाभ मिले और देश की तरक्की में, देश की खुशहाली में उनकी भी बड़ी भूमिका हो, ये हमेशा उन्होंने सपना देखा। जबकि भारतीय जनता पार्टी और जो आज दूसरे दल हैं, वो हम सब देख भी रहे हैं कि किस तरीके से जाति का सहारा लेते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं। और पिछले दिनों आपने, हमने सबने देखा कि किस तरीके से, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे तमाम इस तरीके के कार्यक्रम जो कांग्रेस पार्टी ने चलाए राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, उसने पूरे देश को एक दिशा देने का काम किया। लोगों के अंदर विश्वास फिर जागृत हुआ कि ये देश और मजबूती से आगे बढ़ेगा जब कांग्रेस पार्टी देश के अंदर मजबूत होगी। और वो चुनाव लोकसभा के हुए, हमने नतीजा देखा, कांग्रेस ने अपनी टैली को डबल किया। राहुल जी को एक मजबूत नेतृत्व के रूप में आज पूरा देश चाहता भी है और मानता भी है, और हरियाणा भी आज उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है कि किस तरीके से आज हरियाणा के अंदर, क्योंकि एक तरफ जम्मू कश्मीर के चुनाव है, दूसरी तरफ हरियाणा के हैं, लेकिन मैं हरियाणा की बात करूंगा क्योंकि हरियाणा से संबंध भी है और हम पूरी तरीके से चुनावी इस समर में अभी देख भी रहे हैं कि किस तरीके से जाति का सहारा लेकर के, जहां धर्म चले वहां धर्म चलाओ, जहां धर्म ना चले वहां जाति चलाओ, ये आज मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति है। और इसको देख करके और हमें और ज़्यादा, मैं समझता हूं कि हाथ हुआ, और यही सब देख करके आज हमने फैसला लिया। कल राहुल जी की उपस्थिति में महेंद्रगढ़ के अंदर मैंने पुनः कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि शुरुआत ही यहीं हुई, कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया भी, आज जो भी हम हैं कांग्रेस पार्टी की देन है। अगर आज कोई दल मुझे लेता है या लिया किसी ने, तो मैं समझता हूँ कि वो कांग्रेस का दिया हुआ ही था, जो हमें कांग्रेस ने सिखाया, दिखाया, लोगों के बीच में संघर्ष करने का मौका दिया, उसी के आधार पर। तो मैं आज इस राहुल जी की जो लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है, देश जोड़ने की लड़ाई, संविधान बचाने की लड़ाई, बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की लड़ाई, उसमें एक बार फिर हम राहुल जी के साथ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। और मैं हरियाणा के तमाम दलितों को, पिछड़ों को, शोषित वर्ग को, जिनके अधिकार छीने गए हैं, उन सभी से ये आग्रह भी करता हूँ, अनुरोध भी करता हूँ कि फिर दोबारा हमें हरियाणा को नंबर एक बनाने के लिए, हरियाणा को उसके लोगों का अधिकार मिले। हमने सबने देखा, हमारी तो लगातार लड़ाई रही, उस समय भी जो आज का सत्ता पक्ष है
उसके खिलाफ, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, तो मैं सभी से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि पूरा हरियाणा, कल हरियाणा के अंदर वोटिंग होनी है, पूरी मजबूती से अपने एक एक वोट का, जो बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से अधिकार दिया है, उसका सदुपयोग करके एक बड़ा जनादेश पूरे देश में, जिसका मैसेज जाए, पूरे दुनिया में मैसेज जाए, ऐसा जनादेश देने का काम करें। क्योंकि ये हरियाणा वीरों की धरती है, पहलवानों की धरती है, जवानों की धरती है, और जब हरियाणा कोई चीज़ सोच लेता है तो मैं समझता हूँ कि करके दिखाता है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी वही हुआ और इस बार बहुत बड़े बहुमत के साथ एक बार फिर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सबका धन्यवाद। अब तीन सवाल सिर्फ मैं लूंगा। हाँ प्रदीप जी, प्रदीप जी। थैंक यू अशोक तंवर जी, आपकी जो वापसी हुई है, घर वापसी हुई है कांग्रेस में, बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तो टिकट भी दिया गया था लोकसभा का, लेकिन आपने एक बार फिर अवसरवादिता दिखाई, ये आरोप लगाए गए हैं। देखिए, अगर अशोक तंवर अवसरवादिता दिखाने वाला होता तो भारतीय जनता पार्टी में 5 साल पहले चले जाते। तो इसलिए मैं इस मंच से, क्योंकि आज हम पॉजिटिव नोट के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कोई नकारात्मक बात, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद जानती है कि अशोक तंवर नहीं आ रहा वहाँ पर, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की नीति आ रही है। हाँ जी, कांग्रेस आना पड़ा। देखिए, अगर सम्मान होता तो मैं समझता हूँ वहाँ तो बेकदरी होती है, संविधान की बेकदरी है, दलित नेताओं की बेकदरी है, और दलितों दलितों नहीं, जो भी शोषित है, पीड़ित है, जिसको अपने अधिकारों की जरूरत है, उसके वो अधिकार छीने जाते हैं। इधर तंवर साहब, आप बस वहाँ से पहले बेकदरी हुई आपकी, कांग्रेस से तो नाराज होकर आप दूसरी पार्टी में गए, अब बीजेपी से बेकदरी होकर फिर यहाँ आए हैं, तो ये माना जाए कि आगे आपकी गारंटी रहेगी कि जैसे कांग्रेस गारंटी देती है, आपकी क्या गारंटी आगे की? देखिए, वैसे तो कहते हैं सुबह का भूला शाम को लौटाए तो भूला नहीं होता, और ये तो अपना घर है, आप भी घर से जब निकलते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी घूम के आएंगे तो वापस आखिर घर में आकर ही रुकेंगे, और जब घर छोड़ता आदमी तब घर की ज़्यादा कदर पता चलती है। तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, कहते हैं ना, डिस्टेंट ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर। तो दूर से हमें लगता था, अब तो मैं पूरा पॉलिटिकल सिस्टम 360 डिग्री सारा चीज़ समझ करके आया हूँ, और इसलिए आज राहुल जी के साथ खड़े हैं। धन्यवाद, थैंक यू।